Hello students, I think you all are well with your studies. Now today we are going to discuss about Markovnikov's rule. मतलब कि आज का जो क्लास होगा उसमें हम देखेंगे Markovnikov's rule के बारे में. Markovnikov's rule basically electrophilic addition reaction जो होता है उसके mechanism को बताता है, ठीक है. और ये rule ऐसा नहीं है कि without mechanism है, इसके पीछे भी mechanism है. बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं Markovnikov's rule के बारे में, ठीक है. Markovnikov's rule क्या है? सबसे पहले ये अल्कीन आप डिसाइड कर लो, कोई अल्कीन है, ये दो अल्कीन है, ठीक है. यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पर दो हाइड्रोजन है. और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? इस कार्बन पर, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन है. तो ऐसा अल्कीन जिसके कार्बन पर अनइक्वल ग्रुप्स हो, जैसे देखो ना यहाँ पर एक H और एक H है, मतलब दो H, और यहाँ एक H और एक CH3 है, तो दोनों कार्बन पर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो दो कार्बन हैं, इन दोनों कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप्स हैं या सेम ग्रुप्स हैं? जाहिर सी बात है डिफरेंट ग्रुप है. तो ऐसे अल्कीन को हम क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल अल्कीन. क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है. एंड ये जो कार्बन है, मान लीजिए यहाँ एच है, यहाँ सी एच थ्री, और यहाँ भी सी एच थ्री, और यहाँ भी एच. इस दोनों कार्बन पर अगर आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन और एक सी एच थ्री, और इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन और एक सी एच थ्री. तो ये किस तरह का अल्कीन है? ये है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अल्कीन. क्या है भाई ये? सिमेट्रिकल अल्कीन. तो सिमेट्रिकल अल्कीन में पहचानना इसको बहुत आसान है. दोनों कार्बन पर जब सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स हो, सेम टाइप के ग्रुप्स हो, तो वो सिमेट्रिकल हुआ, और जब अलग अलग हो तो वो अनसिमेट्रिकल हुआ. Markovnikov's rule जो है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स पर के लिए बनाया गया है. किसके लिए बनाया गया है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए बनाया गया है. क्योंकि सिमेट्रिकल पर आप किरण जोड़ोगे तो बात वही आएगा. तो Markovnikov's rule क्या कहता है? Markovnikov's rule ये कहता है कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, आई होप आपको अनसिमेट्रिकल और जो सिमेट्रिकल अल्कीन है इसके बारे में पता चल गया होगा. बहुत इजी चीज है भाई. जो सिमेट्रिकल अल्कीन होगा उसमें दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं उस पर सिमिलर टाइप के ग्रुप होंगे, और जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा उसमें जो दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं उस पर डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होंगे. तो दिस वन इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन. Markovnikov's rule कहता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर अगर HX का एडिशन हो, HX मतलब HBr, HCl, HI, तो जो पॉजिटिव पार्ट है इस रिएजेंट का, HX का, इसका पॉजिटिव पार्ट कौन है? दिस वन H1, H plus is a positive part of addendum. This is positive part of addendum. And this is negative part of addendum. Addendum कहने का मतलब है जो reacting species है, जैसे HBr, ये addendum हुआ. Species को ही हम addendum बोल रहे हैं. तो एडेंडम का पॉजिटिव पार्ट कौन है? H प्लस, और इस एडेंडम का नेगेटिव पार्ट कौन है? Br माइनस. Markovnikov's rule कहता है कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा स्पेसीज का या एडेंडम का, वो जाएगा उस कार्बन पर जहां ऑलरेडी क्या है, ज्यादा हाइड्रोजन है. तो इस दोनों कार्बन को बना देते हैं. यहां कितने हाइड्रोजन है बोलो भाई? यहाँ इस कार्बन की अगर बात करें हम, तो इस कार्बन पर क्या है? इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है. तो Markovnikov's rule कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट है माने H प्लस, ये हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर ऑलरेडी पहले से ज्यादा हाइड्रोजन हो. तो जाहिर सी बात है ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ है, टू हाइड्रोजन और यहाँ वन हाइड्रोजन, तो एच यहाँ जुड़ जाएगा और जो बी आर है वो किधर जुड़ जाएगा? बी आर इधर जुड़ जाएगा. मतलब जिस कार्बन पर कम नंबर ऑफ एच एटम है वहां पर नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, या ये सोच लीजिए कि जिस कार्बन पर ज्यादा एच है वहां पर क्या जुड़ेगा? एच जुड़ेगा, मतलब पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा. पॉजिटिव पार्ट क्या था हमारा?
एच प्लस था. सो दिस इज मार्कोनिकोव्स रूल. ठीक है, मार्कोनिकोव्स रूल इसको हम बोलते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अब इसका स्टेटमेंट कहा जाए, स्टेटमेंट कहा जाए तो क्या लिखेंगे हम. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन देयर इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन देन पॉजिटिव पार्ट ऑफ अडेंडम गोज टू दैट कार्बन विच हैव हायर नंबर ऑफ एच एटम एंड नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैव लोअर नंबर ऑफ एच एटम. तो ये स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं. According to Markovnikov's rule, positive part of addendum goes to that carbon. Which have higher number of H atoms. वहां जाएगा जहां पर ज्यादा H atom है. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोव्स रूल. लेकिन सवाल है कि ये जो ऐसा हो रहा है कि जिस कार्बन पर ज्यादा H है वहीं H जा रहा है, जिस पर कम है वहां Br- जा रहा है. How it is taking place? Means what is the mechanism behind this Markovnikov's rule? तो उसको हम समझते हैं. ठीक है, उसको समझने से पहले जो बेसिक बात है थोड़ा सा उसको यहाँ बताइए. ये पाई बॉन्ड है और ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है. एक पाई बॉन्ड टूट कर क्या बना है, दो सिग्मा बॉन्ड, दो नए बॉन्ड जुड़े हैं बी आर और एच के. तो एक पाई बॉन्ड टूट कर दो नया सिग्मा बॉन्ड बना है. रिएक्शन है ये रिएक्शन है आपका एडिशन रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन. और रिएक्शन शुरुआत कौन करता है, H+ अटैक करके. और H+ क्या है आपका, इलेक्ट्रोफिल. सो दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. कोई पूछा जाएगा कि मार्कोनिकोव्स रूल किसके लिए, कौन से रिएक्शन के लिए है, तो जवाब दीजिएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए. किसके लिए है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए. मार्कोनिकोव्स रूल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. एंड इस रूल में ये कहा गया है कि एच वही जाएगा जहां ऑलरेडी पहले से एच है और माइनस पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन एटम कम है. तो ये तो था मार्कोनिकोव्स रूल कि ऐसे ऐसे आपको सवाल बना देना है. लेकिन व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, नाउ इट इज टाइम टू सी दैट हाउ दिस मैकेनिज्म इज टेकिंग प्लेस. What is the reason behind this Markovnikov's rule and all? We have to now discuss about that right now. देखिए भाई, यही प्रोडक्ट बना था, एच जुड़ा था वहां पर और पाई बॉन्ड कहां पर जुड़ा था भाई, पाई बॉन्ड टूट करके एक सिग्मा बॉन्ड यहां जुड़ा था, एक सिग्मा बॉन्ड यहां जुड़ा था. इसी को थोड़ा ऊपर मिटा कर लिखते हैं इसकी रिएक्शन. ठीक है, अब तब आपको अच्छे से समझ में आएगा मैकेनिज्म. ठीक है, ओके. देखिए, रिएक्शन ये था आपका कि ये डबल बॉन्ड था, यहां पर कितने एच थे, दो एच थे और यहां पर कितना सी एच थ्री था, एक सी एच थ्री था. तो अगर आप जोड़ रहे हैं एच बी आर को है ना, तो कहां जुड़ेगा, कहां पर होगा रिएक्शन, एक जगह पर बी आर जुड़ेगा और दूसरे जगह पर क्या जुड़ेगा, दूसरे जगह पर जुड़ेगा H. तो आप बताइए H वहीं जुड़ेगा जहां ज्यादा S था, यहां H जुड़ा था और यहां Br जुड़ा था. Now the question is कि इस रिएक्शन के पीछे जो हमारा मैकेनिज्म है वो क्या कहता है. सबसे पहले ये किस टाइप का रिएक्शन है भाई, आपको पता है कि ये पाई बॉन्ड टूटकर है ना, कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक ये सिग्मा.
This is electrophilic addition reaction. ये बात आपको पता है अच्छे से, ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये बात आप जानते हैं शायद, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा वो कितने स्टेप्स में होगा? दो स्टेप में। इट टेक्स प्लेस इन हाउ मेनी स्टेप्स? इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स। कितने स्टेप में? दो स्टेप में होगा। स्टेप वन जो होगा वो कैसा होगा? स्लो होगा और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और स्टेप टू क्या होगा? स्टेप टू होगा फास्ट एंड ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होगा। इसका डेल्टा जी क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा। और इसका डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओवरऑल डेल्टा जी क्या होगा? ओवरऑल डेल्टा जी क्या होगा हमारा? ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इतना बात तो हमने कर लिया। अब इसका मैकेनिज्म देखना है। देखिए होता ये है, स्टेप वन में दो स्टेप होता है। स्टेप वन है ये जो आपका डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड कौन? ये वाला पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड पर कौन आता है? H प्लस। और क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेज। क्या बनता है भाई? ट्रांजिशन स्टेज। रिमेंबर कि ट्रांजिशन स्टेज में बॉन्ड पूरे तरीके से टूटा नहीं रहता है। बॉन्ड अभी पूरे तरीके से ना तो एच और बी आर के बीच में टूटेगा और ना ही कार्बन और कार्बन के बीच में हाई बॉन्ड टूटेगा। ये पहले भी हमने बताया है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेज। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेज के बाद क्या होगा? फाइनली हाइड्रोजन कहीं ना कहीं जुड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ से दो पॉसिबिलिटी आता है, इस हाइड्रोजन को अगर यहां जोड़ दो तो प्लस कहां आएगा? यहां आएगा। मतलब अगर इस हाइड्रोजन को यहां जोड़ दो, ध्यान दीजिएगा यहां ऑलरेडी दो एच है पहले से और यहां सी एच थ्री है और यहां एक एच है। इसको मान लो पॉसिबिलिटी वन। क्या मान लो? पॉसिबिलिटी वन। इस हाइड्रोजन को ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये जब जाएगा तो इस हाइड्रोजन को इस एच पर, इस कार्बन पर जोड़ दो तो प्लस कहां है? यहां, क्योंकि यहां वैलेंस फ्री हुई है। तो प्लस आएगा यहां, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी कह रहा है, पॉसिबिलिटी टू, पॉसिबिलिटी टू ये कह रहा है कि H को इधर जोड़ दो। तो इस कार्बन के पास पहले से तीन वैलेंसी हैं, एक दो तीन, और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो चौथा वैलेंसी हो जाएगा और इसका तो तीन ही रहा, वैलेंसी यहां फ्री होगी तो प्लस यहां है। मतलब हाइड्रोजन अगर यहां जुड़ रहा है तो प्लस यहां है। तो हाइड्रोजन अगर यहां जुड़ रहा है तो प्लस किधर आएगा? प्लस यहां आएगा। अब पॉसिबिलिटी वन में और पॉसिबिलिटी टू में आप खुद डिसाइड करो विच इज मोर स्टेबल। आपको पता चल रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट से प्लस आई इफेक्ट जो है यहां पर इसको क्या कर रहा है? इसको स्टेबलाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? स्टेबलाइज। और यहां पर नो प्लस आई, नो प्लस आई इफेक्ट। तो कहा जाए इन दोनों में, पॉसिबिलिटी वन में और पॉसिबिलिटी टू में ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? तो प्लस। पॉसिबिलिटी वन जो हुआ ये मोर स्टेबल हुआ, इट इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल हुआ। और ये क्या हुआ? लेस स्टेबल हुआ। ये क्या हुआ? लेस स्टेबल। इसलिए ये जो पॉसिबिलिटी टू है इसको हम काट देंगे, ये नहीं होगा। हमने चेक कर लिया, दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी। पॉसिबिलिटी वन में प्लस यहां था, पॉसिबिलिटी में प्लस वहां था। तो दिस वाज नॉट स्टेबल बिकॉज देयर वाज नो प्लस आई और सम एनी फैक्टर व्हिच वाज स्टेबलाइजिंग और गोइंग टू स्टेबलाइज दिस कार्बन का टाइम। बट हियर देयर वाज प्लस आई इफेक्ट, तो ये ज्यादा स्टेबल और ये स्टेबल नहीं हुआ। इसलिए पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2 में पॉसिबिलिटी 2 गया, बच गया क्या? पॉसिबिलिटी 1। सो इसको हम मिटा देंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। माने ये जो हम सोच रहे थे ये नहीं होगा। अच्छा आप बताइए, ये बात पता चलेगी कि स्टेप 1 में ये स्टेप 1 है और स्टेप 1
स्लो है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और इसमें कार्बोकैटायन ये बना बन सकता था दो डिफरेंट तरह का, लेकिन दोनों की पॉसिबिलिटी को पता लगा ली और ये बन गया। ठीक है, अब स्टेप टू में क्या होगा? स्टेप टू में ये होगा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कार्बोकैटायन देख रहे हैं, इस कार्बोकैटायन पर कौन आएगा? Br- और अटैक करेगा और ये फास्ट होगा, यहां भी एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। होगा ये कि इस प्लस और इस Br- के बीच में अभी बॉन्ड बना नहीं, बस बनने को है, ये ट्रांजिशन स्टेट हुआ और फाइनली वो जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? बनेगा ये Br और ये H। क्या जुड़ा था? हाँ, कार्बोकैटायन जो था यहाँ H छूट गया था, मिस्टेक हो गया था, मैंने यहाँ H छूट गया था। अच्छा, तो ये हुआ कि फर्स्ट वाले स्टेप में क्या हुआ कि H से यहाँ जुड़ा, 2H पहले से था, एक जुड़ा, 3H हो गया यहाँ पर, तो प्लस यहाँ है, मतलब कार्बोकैटायन बना, स्टेबल कार्बोकैटायन। और स्टेप टू में क्या हुआ, ये जो प्लस था इस पर अटैक किया Br- और Br- का अटैक करने के बाद ट्रांजिशन स्टेट बना, दूसरा ट्रांजिशन स्टेट, और उसके बाद फाइनली ये Br इधर जुड़ गया और H इधर जुड़ गया। तो आपने देखा कि H जहां ऑलरेडी ज्यादा था, 2H था, वहीं पर H जुड़ा, और जहां कम H था, 1H, वहां क्या जुड़ा? नेगेटिव पार्ट जुड़ा। तो दिस वाज पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज नेगेटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां ऑलरेडी पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। यही है मैकेनिज्म मार्कोनिकोव्स रूल का, मतलब मार्कोनिकोव्स रूल के पीछे भी यही मैकेनिज्म है, जो साधारण मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। और आई होप ये फर्स्ट लेक्चर में इसको मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो मार्कोनिकोव्स रूल तो समझ में आ गया कि इसमें पॉजिटिव पार्ट को उधर जोड़ दो। अब हम कुछ सवाल करते हैं। सवाल ये है कि प्रीवियस ईयर या फिर मार्कोनिकोव्स का शॉर्टकट सवाल सब कैसे बनाएंगे, उसको देखिए। आई होप ये समझ में आ गया। अब मार्कोनिकोव्स रूल में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ मार्कोनिकोव्स, प्रॉब्लम्स ऑफ मार्कोनिकोव्स रूल, प्रॉब्लम्स। पहले करना क्या है, तो करना यह है कि इस दौरान आपने देखा है मार्कोनिकोव्स रूल के मैकेनिज्म में, स्टेप वन में कार्बोकैटायन बन रहा था, और जो कार्बोकैटायन बन रहा था तो कार्बोकैटायन जहां भी बनता है वहां शिफ्टिंग होती है, तो यहां भी शिफ्टिंग होगा, माने मार्कोनिकोव्स रूल को बनाते समय भी शिफ्टिंग किया जाएगा अगर पॉसिबिलिटी है तब। ऐसा नहीं कि मार्कोनिकोव्स रूल को सीधे बना देना, देयर मे बी रीअरेंजमेंट If the case is required, तो problems में note करके रखना है, there may be rearrangement of cation, rearrangements, और rearrangement कितने तरह का होता है, hydride shift, और क्या होता है, methyl shift, और क्या होता है, फिनाइल शिफ्ट, ये चीजें हो सकती है, याद रखना है इस बात को। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर और फिर देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, मार्कोनिकोव्स रूल को समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 1,
नंबर वन सिंपल सिंपल लेते हैं, एक ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, SBR, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, थर्ड क्वेश्चन, क्या बनेगा यहाँ पर इसको देखना है, एंड थोड़ा क्वेश्चन है, पहले इस तीनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे तो बता दिया पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पहले से ज्यादा एच है, उसके पीछे का मैकेनिज्म भी देख ली। सवाल बनाने के लिए यू डोंट रिक्वायर टू राइट द मैकेनिज्म, यू हैव टू ओनली थिंक हाउ द प्रोसेस इज हैपनिंग इन योर माइंड, and the imagination power should be very fast, it should not be very slow, so without mechanism try to solve the reactions। यहाँ पर दो एच है और यहाँ पर एक भी एच नहीं है, देखो ना इस कार्बन का जो वैलेंसी होगा वो कितना, एक दो तीन चार, इसकी वैलेंसी तो पूरी हो, तो एच कहाँ से है, so इस कार्बन पर एक भी एच नहीं है और इस कार्बन पर दो एच है, तो हाइयर एच तो इसी कार्बन पर है ना, इसका मतलब आप ये समझो कि इस कार्बन पर दो एच है, ऐसा समझो, ये कंपाउंड का ये मतलब हुआ, तो यहाँ पर एच जोड़ दोगे यहाँ पर और बी आर जोड़ दोगे यहाँ पर, तो एच जोड़ दोगे यहाँ पर तो दो एच पहले से था और एक एच आपने जोड़ दिया और बी आर जोड़ दिया यहाँ पर। देखिए ये जो जोड़ रहे हैं आप इस सी एच थ्री को सीधे ऐसे दिखा दो ना, CH3 को ऐसे भी दिखा दो सीधे डंडा का मतलब CH3 है, अगर क्या जोड़ दो BR जोड़ दो पहला प्रोडक्ट का आंसर ये हो जाएगा, दिस इज योर मार्कोनिक ऑक्सीड। दूसरा है कि H+ कहां जोड़ें, तो जहां पर ज्यादा H हो, तो जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसी को देखना है, ये नहीं कि इस कार्बन को देखने लगे, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो दो कार्बन है उसी को देखना है एडिशन रिएक्शन में, बाकी कार्बन से हमको कोई बहस नहीं है। तो यहाँ इसका पॉजिटिव पार्ट एच है वो किधर जाए, तो जिधर ज्यादा एच हो, लेकिन संयोग से यहाँ दोनों जगह एक एच इधर भी है एक एच इधर भी, दोनों जगह सेम एच है, तो अब केस बन रहा है यहाँ पर कि एच इधर जाएगा तो प्लस यहाँ आएगा, एच इधर जाएगा तो प्लस, यहाँ से दो केस बन रहा है, पहला केस हम बना रहे हैं ध्यान दीजिएगा, पहला केस ये हम कर रहे हैं कि H को इधर जोड़ो, H को इधर जोड़ो तो प्लस इधर आएगा, प्लस इधर आएगा एंड H इधर जोड़ दिया और इधर CH। दूसरा पॉसिबिलिटी H को इधर जोड़ो तो प्लस, अच्छा ये पॉसिबिलिटी जो हम बता रहे हैं दूसरा पॉसिबिलिटी में H इधर जोड़ो प्लस उधर आ जाएगा, ये मन में होना चाहिए फास्ट, या लिख भी रहे हैं तो तुरंत लिख करके इसको कर, H यहां जुड़ा जोड़ दिया आपने प्लस किधर कर दिया, इधर कर दिया, ये दो पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि देखो ये एच स्वतंत्र है कहीं भी जाने के लिए, एक एच यहाँ भी है एक एच यहाँ भी है, हमने क्या बताया मार्कोनिक ऑक्सीड रूल आप लगाते हैं उस समय जब आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन में होते हैं, यहाँ तो सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल तो नहीं है लेकिन हाँ एच दोनों जगह सेम है, सिमेट्रिकल इसलिए नहीं कि एक जगह CH3 एक जगह PH, अनसिमेट्रिकल ये भी है, बट हाँ ये बोल सकते हैं कि यहाँ H की संख्या सेम है दोनों जगह सेम है 1-1, तो किधर जाएगा दोनों जगह जा सकता है, तो दोनों जगह गया तो ये पॉसिबिलिटी बना। अब आप बताओ इसमें इन दोनों पॉसिबिलिटीज में ज्यादा स्टेबल जो पॉसिबिलिटी है वो कौन है, अगर ऊपर वाले को देखिए तो पता चलेगा आपको कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और ये भी स्टेबलाइज है, ऐसा मत सोचिए आप ये स्टेबलाइज नहीं है, इस CH3 को ऐसे कर दूं ऐसे दिखा दूं
टीवी स्टेबलाइज है कैसे भाई? हाइपर कंजुगेशन से। अगर आप सोच रहे हैं तब, या ये सोच लीजिए कि पूरा CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस आई से, दोनों ही जगह से ये स्टेबल है, मतलब ऊपर वाला भी स्टेबल है रेजोनेंस स्टेबलाइज, और नीचे वाला कैसे स्टेबलाइज है प्लस आई से और नहीं तो हाइपर कंजुगेशन से। किस तरीके से? प्लस आई से नहीं तो हाइपर कंजुगेशन से। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो स्ट्रेंथ होता है इफेक्ट्स का, उसका रैंक होता है। रैंक मतलब सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है रेजोनेंस, सबसे ज्यादा कौन होता है रेजोनेंस, उसके बाद कौन होता है हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद कौन होता है हाइपर कंजुगेशन, और सबसे लास्ट में कौन होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप देख रहे हैं इस केस में, सेकंड वाले क्वेश्चन में, दोनों ही कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन था तो दो पॉसिबिलिटी था, दोनों में से कहीं चला जाए हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन गया तो प्लस यहां आया, ये वाला केस बना, और अगर यहां एच गया तो प्लस यहां आया, ये वाला केस बना। फिर हमने इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात की, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन से, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किसका होता है रेजोनेंस का, डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल कौन होगा ऊपर वाला, नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला होगा लेस स्टेबल, क्या होगा लेस स्टेबल। और ऊपर वाला मोर स्टेबल। अच्छा मोर स्टेबल होगा तो अब क्या करिए, मोर स्टेबल होगा तो अब क्या किया जाए बताइए, मोर स्टेबल वाला है अब H प्लस में का H तो जुड़ चुका है, Br माइनस यहां जुड़ेगा तो Br माइनस वहां जुड़ेगा तो क्या बनेगा, Br यहां जुड़ेगा और बाकी H तो यहां जुड़ गया और ये CH3 रहा। दिस वाज मोर स्टेबल, इसलिए क्या बनेगा मेजर। अच्छा ये लेस स्टेबल था तो Br यहां जुड़ेगा, तो Br जब यहां जुड़ेगा तू कैसे कर दिए उसको CH करना चाहिए, CH करना चाहिए, तू नहीं होगा CH, Br इधर CH, ये क्या बन गया माइनस, ये क्या बन गया माइनस। तो बनेगा दोनों, परसेंटेज ज्यादा होगा इसका और उसका होगा कम। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के रूप में दो अलग अलग कंपोजिशन, दो अलग अलग आइसोमर्स मिल रहे हैं लेकिन दोनों में कोई एक डोमिनेटिंग हो कोई एक कम हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेजियो सिलेक्टिव। क्या बोलते हैं? रेजियो सिलेक्टिव, रेजियो सिलेक्टिव। और ऐसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता हो दूसरा नहीं बनता उसको बोलते हैं रेजियो स्पेसिफिक। क्या बोलते हैं? रेजियो स्पेसिफिक। तो बताइए ये जो एडिशन ऑफ HBr है, अगर पूछा जाए आपसे कि दिस एडिशन ऑफ HBr इज रेजियो स्पेसिफिक और रेजियो सिलेक्टिव, तो जाहिर सी बात है रेजियो सिलेक्टिव। रेजियो सिलेक्टिव में मेजर बनता है अब प्लस माइनस दोनों बनता है, और रेजियो स्पेसिफिक में ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट, नो मेजर नो माइनर। तो मेजर माइनर का खेल तो यहां चल रहा है मार्कोनिकॉफ्स रूल में, और मार्कोनिकॉफ्स रूल पता चला हमको मैकेनिज्म देखने पर कि ये कुछ नहीं है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अगर आपने HBr जोड़ दिया तो ये रेजियो सेलेक्टिव है या रेजियो स्पेसिफिक, तो जाहिर सी बात है ये रेजियो सेलेक्टिव है। मतलब ये पता चल गया कि एडिशन ऑफ HBr टू डबल बॉन्ड इज रेजियो सेलेक्टिव, दोनों बनेगा। सो दिस विल बी
major product and that will be minor product. तो आई होप ये सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. जा थर्ड क्वेश्चन हमने मिटा ही दिया. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा मार्क मनी कॉक्स नोट में याद रखिएगा कि मार्क मनी कॉक्स एडिशन इज Marconi-Cox addition is regio selective. कैसा है ये? Regio selective. थर्ड क्वेश्चन था आपका. आई होप थर्ड क्वेश्चन को भी आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे. थर्ड क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं पॉज करके तो बनाइए, और नहीं तो मेरा इंतजार कर रहे हैं कि हम बनाएंगे तो देखिए. थर्ड क्वेश्चन, सीधा थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है यही ना था. थर्ड क्वेश्चन इधर CH3 था और इधर CH2 एंड CH3 था, और इसमें क्या चल रहा है? इसमें HBr जुड़ रहे हैं और हम पूछ रहे हैं कि कहां पर जुड़ेगा H. तो इसमें दो पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है H+ और नेगेटिव पार्ट है Br-. तो आप बताओ हमको कि जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो कहां जुड़ेगा? तो मार्कोनी कॉक्स रूल कहता है कि जहां ज्यादा H हो वहां जुड़ेगा. लेकिन यहां संयोग ऐसा है कि इस कार्बन पर अगर देखें आप, इस कार्बन पर, तो इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी चार हो चुकी है, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड की वजह से चार हो चुका है वैलेंसी. इस कार्बन पर अगर देखेंगे आप, तो इस कार्बन का अभी जो हालात 2 3 4 उसकी भी वैलेंसी पूरी है. तो इन दोनों ही कार्बन पर चार वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है, तो हाइड्रोजन कहां होगा? नहीं होगा हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन. इस पर भी हाइड्रोजन नहीं है, नो एच एटम, और यहां भी नो एच एटम, कोई एच नहीं है. तो अब सवाल उठता है कि ऐसे परिस्थिति में सारा खेल ही खत्म हो गया. अब आप सोच रहे होंगे कि मार्कोनी कॉक्स रूल यहां कैसे लगेगा, क्योंकि यहां तो एच है ही नहीं, एच ही नहीं है. एच प्लस वहां जाएगा जहां ज्यादा एच होगा, और यहां एच दोनों में से कहीं नहीं है. तो कुछ नहीं करना है, पॉसिबिलिटी का खेल है. पॉसिबिलिटी आप कर, पॉसिबिलिटी यहां से बताओ, दो पॉसिबिलिटी हमको दिख रहा है, मुझे दो पॉसिबिलिटी दिख रहा है, और वो दो पॉसिबिलिटी क्या है? तो वो दो पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसा कर दो कि इधर इस पर अगर आप एच को अटैक कराते हो तो प्लस कहां है? इस पर आएगा, माने इस पर अगर आप H को अटैक कराते हो, नो डाउट
This is your question number 2. अब सवाल उठता है कि ये दोनों पॉसिबिलिटी में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो वही बनेगा तो दोनों, नो डाउट ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, क्योंकि रेजियो सेलेक्टिव है और रेजियो सेलेक्टिव में मेजर भी बनता है और माइनर भी बनता है, ये बेहद जरूरी है याद रखना। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो कौन ज्यादा दोनों में है स्टेबल, तो अगर आप यहाँ देखिएगा इस प्लस को, तो इस प्लस को हाइपर कंजुगेशन अगर हम जाने ध्यान दें, अगर हाइपर कंजुगेशन की बात करें तो इस प्लस को ये जो 2H है वही ना हाइपर कंजुगेशन कराएगा। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि अगर हाइपर कंजुगेशन आप कराकर देखना चाह रहे हो, है ना, इन दोनों H का प्लस इधर है तो एक H ये जा सकता है और नहीं तो ये जा सकता है। तो दो हाइड्रोजन एटम है यहाँ, अल्फा H जिसको हम बोलते हैं, दो अल्फा H है जो हाइपर कंजुगेशन में भाग लेगा, यहाँ पर 2 अल्फा H। और अगर यहाँ देखें आप तो यहाँ देखने पर पता चलेगा कि कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है यहाँ, ये भी जा सकता है हाइपर कंजुगेशन से, ये भी जा सकता है या ये भी जा सकता है। तो कहा जाए कितने अल्फा H है यहाँ पर, 3 अल्फा H है। जाहिर सी बात है ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब ये कह लीजिए कि ज्यादा अच्छे तरह से जो हाइपर कंजुगेशन होगा वो कहाँ पर होगा, तो वो होगा ऊपर वाले केस में। ऊपर वाले केस में आप देख रहे हैं, ऊपर वाले केस में क्या देख रहे हैं आप, ऊपर वाले केस में आप देख रहे हैं, ऊपर वाले केस में देख रहे हैं कि ज्यादा अच्छे से हाइपर कंजुगेशन हो रहा है और नीचे वाले में तो ही अल्फा एच है, तो इसका मतलब ये जो होगा ये मोर स्टेबल होगा। क्या होगा भाई ये मोर स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, ये होगा लेस स्टेबल। क्या होगा ये लेस स्टेबल, बनेगा दोनों क्योंकि रेजियो सेलेक्टिव है तो दोनों बनना है, तो दैट इज मोर स्टेबल एंड दैट इज लेस स्टेबल। तो आप बताइए उसको, अब Br- को टैग कराना है तो Br- यहां जुड़ेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, यहां पर Br जुड़ गया और यहां CH2CH3। अगर ऊपर वाला का बात कर लें, जा उल्टे लिख दिए, अरे भगवान, ये दो अल्फा एच है ना, तो ये लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, तीन अल्फा एच है तो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो लेस स्टेबल वाला ब्रोमीन अटैक कराइए तो ये बनेगा, अच्छा मोर स्टेबल वाला पर अगर ब्रोमीन अटैक कराइए तो क्या बनेगा, बताओ भाई, मोर वाले पर कराओगे तो ब्रोमीन यहां जुड़ेगा इस प्लस पर, और यहां तो CH2CH2 था ही। अब आपको बता दो ये मोर स्टेबल था तो इस पर ब्रोमीन अटैक करके क्या बनाएगा, बनाएगा मेजर। क्या बनाएगा भाई, मेजर। और यहां अगर बात करें हम यहां क्या बनाएगा, तो यहां बनाएगा माइनर, तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा, मेजर भी बनेगा और माइनर भी बनेगा। यहाँ तीन अल्फा एच है तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ, यहाँ दो अल्फा एच है तो यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा स्टेबल कम स्टेबल, कम स्टेबल पर Br- अटैक करा तो माइनस बना, इस पर अटैक करा Br- तो क्या बना, प्लस बना। सो इन दिस वे टू डिफरेंट कंपाउंड्स, वन ऑफ देम इज मेजर एंड अनदर इज माइनर, बोथ कंपाउंड्स आर ऑब्टेंड। तो इस तरह से आप मार्कोनिकॉक्स रूल को कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, जरा उसको भी हम देखें, उसको देख ले तो अच्छा रहे, फोर्थ क्वेश्चन, इसको मिटा ले, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू फोर्थ क्वेश्चन, where is fourth question?
this reaction. Question is predict the major products of the following. है ना? इसमें कैसे करेंगे हम? मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है ये? है ना? कैसे करेंगे भैया? तो इट्स वेरी सिंपल. ये जो रिएक्शन हो रहा है डबल बॉन्ड पर HBr का जुड़ना, ये रिएक्शन बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. और मैकेनिज्म से भी सोच सकते हैं, और शॉर्टकट सोचना है तो उसी का तरीका है मार्कोनी का ऑक्सी रूल. इस दोनों कार्बन पर अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि दोनों पर एक एक हाइड्रोजन है. मार्कोनी का ऑक्सी रूल कहते हैं कि जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन हो वहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, जहां कम हो वहां पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा. पॉजिटिव पार्ट विल बी एडेड वेयर देयर इज काइंड ऑफ मोर नंबर ऑफ एच एटम्स, एंड नेगेटिव पार्ट विल गो एट दैट कार्बन व्हिच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. यहां तो बराबर है, यहां तो फिर पॉसिबिलिटी की खेल होगी. यहां पर आपको करना होगा चेक आउट, यू हैव टू चेक आउट द पॉसिबिलिटीज. दो पॉसिबिलिटी होगा, दोनों को चेक कर लीजिए. मान लो आप H को यहां जोड़ते हो, पाई बॉन्ड तो टूटेगा ना भाई, एडिशन रिएक्शन है तो पाई बॉन्ड के बिना तोड़े तो काम चलेगा नहीं, सो पाई बॉन्ड मस्ट बी. अब यहां पर क्या है कि यहां आपने जोड़ दिया, ये पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा. यहां H जोड़ा अगर, यहां से H प्लस निकलेगा ना, एच प्लस और बी आर माइनस. अगर एच यहां जुड़ा तो प्लस यहां आएगा. सो लेट अस ड्रॉ पॉसिबिलिटी वन. दिस इज पॉसिबिलिटी वन एंड दिस इज पॉसिबिलिटी टू. पॉसिबिलिटी वन में क्या होगा भाई? वन में क्या होगा? अगर आपने H यहां जोड़ा है तो प्लस यहां आएगा. और पॉसिबिलिटी टू है कि H आपने यहां जोड़ा है तो प्लस यहां आएगा. पॉसिबिलिटी टू है कि H यहां जोड़ा है आपने प्लस यहां आएगा. तो प्लस किधर आएगा? इधर आएगा. ठीक है, अब आप बता दो कि ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? बोलो भाई, इसमें ज्यादा स्टेबल अगर बात करें हम तो कौन है ज्यादा स्टेबल, कैसे पता चलेगा? तो ज्यादा स्टेबल होगा ये ऐसे आएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो ये ऐसे आएगा और ये जैसे ही आएगा तो ये ऐसे आएगा. मतलब रेजोनेंस में दोनों रिंग इन्वॉल्व है. लेकिन यहां की बात करें अगर आप तो देखेंगे आपकी रेजोनेंस में सिर्फ ये रिंग इन्वॉल्व है, ओनली वन रिंग, एंड यहां ये वाला रिंग तो इन्वॉल्व ही नहीं है. तो इसका मतलब इस वाले केस में अगर देखें हम तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ टू रिंग्स. दो रिंग की वजह से दोनों रिंग रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और यहां पर लोअर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो जाहिर सी बात है मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, तो
ये क्या हो गया हमारा मोर स्टेबल, क्या हो गया मोर स्टेबल, और ये जो है ये क्या बन गया, ये बन गया लेस स्टेबल, क्या बन गया लेस स्टेबल। अब क्या करेंगे हम इसमें, हाँ जी, तो ये था आपका मोर स्टेबल एंड दिस वाज लेस स्टेबल। तो जाहिर सी बात है ब्रोमीन को कहां अटैक करा दो, यहां अटैक कराओगे, यहां अटैक कराओगे तो क्या बनेगा, ब्रोमीन यहां चला जाएगा, ये प्लस खत्म हो जाएगा। एंड अगर यहां अटैक करा रहे हो तो ब्रोमीन कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, ये प्लस खत्म हो जाएगा। तो आप बताइए हमको कि जो मेजर आपका कंपाउंड होगा, मेजर कंपाउंड वो कौन होगा, मेजर कंपाउंड होगा ये, दिस इज योर मेजर एंड दैट इज योर माइनर, ये आपका माइनर होगा, ठीक है। इस तरीके से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, ऐसे तो क्वेश्चन में कह रहा है क्रेडिट का मेजर प्रोडक्ट का आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन में नहीं लिखा है, जगह बसा लेते हैं इसलिए। तो इस तरीके से आप वहां पर क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, लेकिन जहां ज्यादा एच हो वहां तो बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन जहां ज्यादा एच नहीं हो वहां क्या हो जाएगा, वहां आपको पॉसिबिलिटी चेक करके मार्कोनिक ऑफ रूल लगाना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, जो करना है वो कर लेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देते हैं रीअरेंजमेंट पर, ठीक है, रीअरेंजमेंट पर एक क्वेश्चन देते हैं और उसके बाद फिर इसको मिटा दें। आई होप ये समझ में आया होगा। अब रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को करना है ना, उसको देख लेते हैं। उसमें ऐसा कुछ हो सकता है क्या, एक क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। क्वेश्चन है कि इधर एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है सी, इधर सी एच डबल बॉन्ड CH2 and इधर दिया हुआ है CH3 and इधर दिया हुआ है CH3 and इधर दिया हुआ है HBr। Now the question is how you will solve this? आप कैसे solve करेंगे इसको? तो पता चल रहा है कि इस double bond के इधर वाले carbon पर देखोगे more H और इधर less H। तो मार्कोनिक ऑफ रूल तो काम कर गया यहाँ पर, H वहाँ जाएगा जहां ज्यादा एच है पहले से। तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, कौन एडिशन, मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। और इस एडिशन के फलस्वरूप क्या बनेगा भाई, फलस्वरूप बनेगा एच यहां जोड़ रहे हो, मार्कोनिक ऑफ कहता है वहां जोड़ो जहां ऑलरेडी पहले से ज्यादा एच है। तो एच यहां जोड़ रहा है तो प्लस कहां है, यहां है। सो एच को आपने जोड़ दिया यहां पर तो प्लस आ गया यहां पर। अच्छा अब क्या कर दो, बी आर माइनस को इस पर अटैक करा दो तो क्या बनेगा,
एक पॉसिबिलिटी था कि आपने बीआर को सीधे यहां पर अटैक करा दिया। अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी था कि यहां रीअरेंजमेंट करा कर देखिए। क्या करा के देखो भाई, रीअरेंजमेंट। अच्छा, किस तरह का शिफ्टिंग? मिथाइल शिफ्ट। क्या करा दो? 1-2 मिथाइल शिफ्ट। 1-2 मिथाइल शिफ्ट करोगे आप तो क्या होगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो इस कार्बन प्लस आ जाएगा। इस कार्बन पर प्लस आया और यहां CH इधर क्या जुड़ गया, CH3 इधर हो गया CH2NH। हां सर, आप बताइए, आप हमको इस कार्बन पर प्लस आ गया क्योंकि मिथाइल शिफ्ट का मतलब कि अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर शिफ्ट हो गया, इस कार्बन पर CH3 जुड़ गया और इस पर तो ऑलरेडी ये था। अब देखना ये है कि ये ज्यादा स्टेबल था, मतलब ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा या ये प्रोडक्ट ज्यादा होगा। तो बड़ा सिंपल सवाल है, यहां जो कार्बन आयन बन रहा है ये सिर्फ इसके इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा था। कौन सा इफेक्ट हो रहा था यहां पर? प्लस आई इफेक्ट। देख लीजिए ना, CH2NH को आप क्या CH3 नहीं मान सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH3, तो CH3 प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। और यहां अगर बात करें तो प्लस आई भी है और साथ में रेजोनेंस भी है। क्या है साथ में? रेजोनेंस। तो कहा जाए कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है या रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो क्या बोलिएगा? ये वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज है और ये सिर्फ प्लस आई इफेक्ट ओनली। आप हमको बता दीजिए कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये होगा, माने दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल। लेस स्टेबल कार्बन का टाइम है भाई ये, और ये मोर स्टेबल कार्बन का टाइम है। तो जाहिर सी बात है, लेस स्टेबल वाला पर बीआर बेंच अटैक कर से क्या बनाएगा? माइनर बनाएगा। और मोर स्टेबल वाले पर अगर बीआर माइनस अटैक करता है तो क्या बनेगा? बोलो भाई, बनेगा ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनेगा ना, बीआर और इधर CH3 और इधर CH और इधर CH3 और इधर CH3। तो ये जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा? ये बनेगा मेजर। क्या बनेगा? मेजर। तो इस तरीके से हम मार्कोनिक ऑक्स के क्वेश्चंस को करेंगे, जहां पर ज्यादा एच होगा वहां कर देंगे, कार्बो कटाइन बन जाएगा, देखेंगे रीअरेंजमेंट हो सकता है तो करेंगे, अदरवाइज सीधे जो नेगेटिव पार्ट है उसको अटैक करा देंगे, और नहीं तो सिंपल सवाल हुआ तब तो उसमें प्लस में सिंपल वे में आप उसको एडॉप्ट कर देंगे। तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मार्कोनिक ऑक्स रूल। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एंटी मार्कोनिक ऑक्स रूल, एंड रिमेंबर मार्कोनिक ऑक्स रूल इज रेजियो सेलेक्टिव एंड इट फॉलोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब इसमें मेजर माइनर दोनों बनेगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के तहत बनेगा। तो मार्कोनिक ऑक्स में ये होगा, ठीक है। और एंटी, अच्छा मार्कोनिक ऑक्स में फिर जो HX है, रिएक्टिविटी ऑफ HX, अगर ये कोई पूछे कि रिएक्टिविटी ऑफ HX कैसा है, तो हमने बताया था पहले भी क्लास में कि HX से बहुत ज्यादा होगा HCl, HCl से बहुत ज्यादा होगा HBr, HBr से बहुत ज्यादा होगा HI। मतलब मार्कोनिक ऑक्स रिएक्शन के लिए सबसे बेहतर HI है। Why? Because HI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो H+ और I- में टूटने की टेंडेंसी उतना ही ज्यादा है, एनर्जी बहुत कम होगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HI इज लीस्ट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HI इज लीस्ट, HI इज लीस्ट। ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होगा इसलिए इसको यूज करने से बचेंगे। ये सारी चीजें हैं जो मार्कोनिक ऑक्स रूल में आपको ध्यान रखना है। सो ये ऑर्डर हो गया HX के रिएक्टिविटी का, और नेक्स्ट वीडियो में एंटी मार्कोनिक ऑक्स करेंगे और फिर इन दोनों पर रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे 10-5 उसको सॉल्व करके फिर हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर एंड सॉल्व एज मच प्रॉब्लम एज यू कैन, ओके, बिकॉज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू नो व्हाट, मोर यू सॉल्व द क्वेश्चंस, मोर यू राइट द मैकेनिज्म, मोर इज द डेवलपमेंट ऑफ यू नो कॉन्शियसनेस इन योर माइंड। दैट मीन्स व्हेन यू राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, these
these are trapped inside your mind, and whenever you are solving the problems, these trapped things once recall, get recalled, and you are able to write the answer very fastly. So you have to write more and more. Okay, go ahead.